हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योग्यता एवं प्रशासन संस्थान में आ गई है क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंसल्टेंट और बहुत से पदों पर वैकेंसी। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग की वेबसाइट खुली हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि करियर सेक्शन में यहां पर नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन है, जहां पर पोस्ट प्रोजेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की है और क्लर्क की है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की है, प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट की है। तो इतने तरह की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारा फॉर्म मैं फिलअप करके दिखाने वाला हूँ शुरू से लेकर के लास्ट तक। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उसके बाद में प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और तीसरा जो है प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट, तीन तरीके की वैकेंसी है। तो प्रोजेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री है वो प्रेफर किए जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर बीइंग एलिजिबल इन अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। अब ये देखिए, जो लास्ट डेट इसकी है 16 मई की है, 16 मई तक आपको ये फॉर्म भर लेने हैं। इसी तरीके से प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का भी है और प्रोजेक्ट जूनियर कंसल्टेंट का भी है। तीन तरीके की वैकेंसी है, तीनों आपके सामने ये डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं। फॉर्म किस तरीके से भरना है मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है आपको और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस फॉर्म तक आपको पहुंचना कैसे ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले फॉर्म भर करके आपको दिखा देता हूँ। तो प्रोजेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी, जिसका मैं फॉर्म भर के दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई यहां से कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो आपने किया हुआ है उसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के सेक्शन पे, अप्लाई के सेक्शन पे आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे फॉर्म पूरा आपके सामने खुल करके आ जाएगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, सब कुछ आपको यहां पर डाल देना है। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एस सी एस टी ओबीसी अनरिजर्व कैंडिडेट कौन है आप, यहां पर आपको अप्लाई करना है। फीस आपको बिल्कुल भी यहां पर नहीं लगनी है। ईमेल आईडी डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के पहले आपको यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल देख लेना है और अपना एज भी देख लेना है कि आपकी एज यहां पर अवेलेबल है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद में देखिए, आप यहां पर डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट आपको कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं। डेट सेलेक्ट करने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड एंड मैरिड का स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहां पर ईमेल, फोन नंबर, सारी चीजें भर देनी है। यहां पर फैक्स है तो भर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहां पर भर सकते हैं और उसके बाद में आप पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहां पर अपलोड करनी है। कैसे करनी है, चूज फाइल पर आपको क्लिक करना, अपनी फोटो यहां से सेलेक्ट करनी है, ओपन के सेक्शन पर क्लिक कर देना है, फोटो आपकी यहां पर सेलेक्ट हो जाएगी। एड्रेस आपको भर देना है, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, सारा चीज आपको भर देना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो स्टिक पे आपको क्लिक कर देना है, यही एड्रेस यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल कहां से किया है, ट्वेल्थ कहां से किया है, बैचलर डिग्री आपके पास है या नहीं, मास्टर डिग्री है और अदर चीजें आपको यहां पर फिलअप कर देनी है। फिलअप करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर 10th भर देना है, यूपी बोर्ड यहां पर मैंने लिख दिया, आपका जो भी बोर्ड यहां पर लिख सकते हैं। कब आपने पास किया, जैसे मैंने अगर 2016 लिखा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज कितने थे और सब्जेक्ट कौन कौन से आपने 10th किए, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और जो आपका एनक्लोजर है उसका नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 10th सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी तरीके से 12th की डिटेल आपको भर देनी है। 12th की डिटेल देखिए मैंने पूरी तरीके से भर दी है। आप कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है। पोजीशन हेल्ड, जिस पोजीशन पे थे मैंने ऑपरेटर लिखा हुआ है। टेम्परेरी परमानेंट था तो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, यानी कि पोस्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर लिख देना है। कब से कब तक थे, यहाँ पर सितंबर 2018 से प्रेजेंट तक का लिखा हुआ। बेसिक पे आपका कितना था, इतनी चीजें आपको भर देनी है। सर्विस के दौरान आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट है तो आप अटैच कर सकते हैं। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग जो आपने लिया हो वो भी आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर करना है कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कब ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको डेट लग देना है। द टाइम विल रिक्वायर टू ज्वाइन इफ सेलेक्टेड, यानी कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कोई डेट डाल देना है जो कि आज के बाद की डेट हो, यानी कि कब आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन के टैब पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सारा फॉर्म पूरा शुरू से लेकर के आपका भर गया है और सबमिट के बटन पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ओके के बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
देखिए यहाँ पर बताएगा कि आपको इस एप्लीकेशन को फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए रख लेना है। तो देखिए पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर सामने आ जाएगा, जो आपने डिटेल भरी है सब कुछ आपका आ जाएगा। प्रिंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन है, सीधा यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको ये फॉर्म पूरा आ गया है। अब इसको यहाँ पर प्रिंट दे करके मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिंट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये था फॉर्म फिलअप का वीडियो। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की बाकी जॉब्स के अपडेट के लिए, फॉर्म फिलअप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी